स्टॉल भी लगाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल एज द गेस्ट ऑफ ऑनर स्पेशल गेस्ट जनाब आपोन असर अली बशारत पद्मश्री अवार्डी जनाब काजो इस्कंदर खान साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल डॉक्टर अमीना कारी मैडम डिस्टिंग्विश्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल माई रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मैम करगिल कॉलेज के सैलाने हम हंसते गाते आएंगे, नई कहानी जिंदाबाद, नई रवानी जिंदाबाद. गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख श्री आर के माथुर जी एज द वर्दी चीफ गेस्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट कॉल्ड लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 jointly organized by Ladakh Skill Development Mission, Higher Education Department, Union Hall, all the constituent colleges including Government Degree College Kargil, supported by to have again interactive sessions called Career Opportunities in Armed Forces in Artificial Intelligence and Machine Learning. Whether it is a job, a government job, or a private job, or entrepreneurship, the future Ladakh will come out of our young. I would like to thank and welcome Honorable Executive Minister, Ladakh Autonomous Regional Authority, Basharat, and Shri Kajo Esmendir Khan, a retired IAS historian and writer who have gave their precious time and aid to be part of panel discussion on Ladakh writing and literature, entrepreneurship, and one place. Further, this panel will provide all of you with an opportunity participate in talks of cinematography, dramatics, organic farming, के रूबरू रखने का हमें शर्फ मिला है. नसीबी देखिए कि इन दोनों अदबी शख्सियात का ताल्लुक अदबी और इल्मी घरानों से है. ये हमारे लिए हमारे सराय वहाँ से मैं शुरू करता हूँ सर, आप लोगों की इजाज़त से. पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं. पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ आप दोनों का खैर मकदम है. यहाँ हम शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि आगाज़ तेरे नाम से कार साजे तू जहाँ. तकरीबन अटी करगी रे कने खेरे लेहना नीलागढ़ साप्पा मरहूम बोई के तकरीबन 60-70 गुआ दे असर पेन जो मस शुरुआत नफा बोई के मस तालीम छोन चीज़ मुख्तसर नाम से
वाना यदि सवाल पे तमलन को यू ना नई तरह तकरीबन 1963-64 में का प्राइमरी स्कूल जब अथुन जो दो थने में ना न्यू उम्र तो उसको ज़्यादा सोच सकते हो दो बदल ना किचू लेगी मिंग मिंग लाज बखानीन मतलब ना जिस काचो सिकंदर खान वसीला ही नजात बल्ती रिसालेगा बल्ती बोला मेरा भी एक अपना पुर्गी या बल्ती शेर है बशिस सला फल में न में दियो पा दियुल पे अनुर गमुर रंग रंग सला फल में न में दियो पा दियुल पे अनुर गमुर रंग रंग लदख कर गिल न बल्ती युल दियुल कुन कौन सुदेचन इन ते तो युल पास के से दन में फरी दूं क्या सुदेचन मैंने प्राइमरी स्कूल शक्कर में दाखला लिया था जी जी क्योंकि हमारे गांव जो है युगमा खरबू में उस वक़्त स्कूल में मेरी दादी जो है मेरे साथ एक लड़के को बेचता था क्योंकि बेड़िया आने का ख़तरा था सो लिखेंगे व्हाई नॉट इसका कोई स्कोप नहीं होगा करके मेरा एक कुलीग था यहाँ अपने क्या बोलते हैं करगिल में SP में DC था राणा करके जिसी पे फर्स्ट अवार्ड उसको बम्बई से मिला तो कहने का मतलब अगर आप सही तरीके से कोई सॉलिड चीज़ लिखेंगे नहीं सुखो होने की बात नहीं है जी तो दो मार्केटिंग निकायों में जो बाकी यदि असल पे ज़्यादा जानकारी में दो अपने आप का सबसे बड़ा क्रिटिक होना चाहिए अपने आप का क्रिटिक जब तक आपके अपनी क्रिटिसिज्म के साथ अपने परख के साथ वो चीज बाहर ना आए लोगों को मत दिखाओ अंग्रेजी में जेम्स वगैरह जो राइटर्स मशहूर है सबसे पहले जबान को ठीक करो उसके बाद अपने सोच के अंदर से लिख कर उसको 10 बार पढ़ो लिखने के बाद छोड़ दो 10 दिन के लिए उसके बाद फिर पढ़ो फिर आपको खामियां नजर आएगी I feel proud for having such amazing assets in our society. And thank you so much, Dalip sir, for gracefully moderating. Apollari Chhan sahab, हमारे GSC जो यहाँ के प्रिंसिपल साहबा और आप जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं सबका मशहूर कि आज के जो हमने देखा पुष्पली उसके जो इसका मोटो क्या है बिहाइंड द ऑर्गेनाइजिंग दिस टूरिस्ट इवेंट उसके बारे में आपकी करंट नहीं है बल्कि हमारे स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम क्लास 11-12 तो बेसिक इसका जो पर्पस है वो लेवल पे अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि मुझे आगे जाके क्या करना है आपके 12th level तक तो मैं समझता हूँ कि उसका फ्यूचर जो है ब्राइट है उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये जो एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज किया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने आपका जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम से डिफरेंट हमारे मिनिस्ट्रीज से जो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है जानकारी की कमी है स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है क्योंकि अभी हम जानते हैं कि एजुकेशन जो यहाँ पढ़ते हैं जो डिग्री हम हासिल करते हैं पहले एक ज़माना हुआ ये कहता था कि एजुकेशन मींस हमें नौकरी मिलना है बस सबके नौकरी हमें मिलना ही मिलना है लेकिन आप खुद जानते हैं अभी इतना आपका कंपटीशन है इतना चैलेंज है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है तो उसके साथ साथ अब जब गवर्नमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जिंदगी उसको वहीं पर खत्म थोड़ी होती हो गया आपका एक नॉलेजेबल इंसान बन गए हो सारे इस कंपटीशन क्योंकि फेलियर जो है ये सक्सेस है अल्टीमेटली आपको सक्सेस कहाँ से मिलता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन जितना हो सके इन्वेस्ट तो हमें एजुकेशन में ही करना है और हमारे पेरेंट्स माशाल्लाह अभी कर रहे हैं इवन अगर आप गर्ल्स एजुकेशन की तरफ जाएँ तो मैं समझता हूँ अगर आप डिस्ट्रिक्ट रोल देखें अभी स्कूलों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ जो कि एक बहुत अच्छी बात है जो कि पहले हमारे यहाँ पर नहीं होता और आप इनको सही ट्रैक पे सही गाइडेंस देंगे फ्यूचर कैसा होगा
ये हम लोगों को I, on behalf of the entire fraternity of GTC Kargil, extend my most sincere thanks to our chief guest of the event, His Excellency of Education and Opportunities for the Youth of Ladakh. I feel deeply gratified to thank our invitation in gracing the occasion with your presence and sharing with us your thoughtful, your valuable thoughts, sir. I would also extend our hearty thanks to respected Ms. Padma Amo, Commissioner Secretary, Higher Education, Youth of Ladakh, for her enormous support. क्या है परेशानी वाला सर जरा बताओ यू फेराशकिन जो है मटन फेराशकिन मटन है सर नौशा नौशा कैसे कैसे हाउसकीपिंग का फूड प्रोसेसिंग का सर फिनलैंड ऑफिस टूरिस्ट गाइड का जो अभी चल रहे हैं सर एक सुरु वैली में और इनको हम ये भी अवेयर कर रहे हैं सर नेक्स्ट रूट हम ISM के थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ उसका भी हम इनको अवेयर कर रहे हैं और साथ ये एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टीज है सर ये हमने बनाया सर मलबरी और सीवर फंड आज हमारे यूनियन टेरिटरी के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में एट अ टाइम ये लद्दाख एजुकेशन अफेयर 2022 जो है इवेंट दो दिन के लिए मनाया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और आपका स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख इन दोनों के कोलाबोरेशन से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसका मेन थीम और मेन मोटो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो आई मीन क्लास 11th एंड 12th उनके लिए ये देख उनको ये अवेयर करना है एक उनके करियर जो काउंसलिंग होगा कि क्या क्या किस किस चीज़ में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं किस में आपका किस किस ट्रेड में हो चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो या आपका स्ट्रीम हो तो उनके लिए पूरा कैरियर काउंसलिंग भी होगा उनके लिए जानकारी दिया जाएगा कि उनके उनके फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो किस में तो ये सारे कॉलेजेस पे एट ए टाइम पे है और उसमें साथ साथ स्टॉल्स भी लगे हैं इसमें आपका बैंक्स को भी इन्वॉल्व किया गया है ताकि जो बच्चे जो हैं वो बैंक्स के लोन्स का फ़ायदा ले सके स्कॉलरशिप्स जैसे हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए उनको लिए उनको ये जानकारी दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद और एक मीनिंगफुल जो इवेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है तो उसके लिए मैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का बहुत ही मशहूर हूँ उसको थैंक्स कहना चाहूँगा और हम चाहते हैं कि ऐसे जो एजुकेशन फेयर हो ये और भी आगे हो ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए है कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने कैरियर्स को लेकर जिसकी वजह से काफ़ी टाइम निकलने के बाद उनको पता चलता है तो अगर राइट टाइम पर उनको ये मौका मिलता है ये गाइडेंस मिलता है तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है थैंक यू सर